ऑस्ट्रेलिया में इसका कोई वैक्सीन है वो डेवलप हुआ है, जहाँ तक गायों की बात आपने छेड़ी है तो निमोनिया का जो इश्यू बना है ये सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि जो गौ माता के नाम पे राजनीति शुरू की उन्होंने देश के अंदर, जनसंघ जो है बीजेपी यार पैदा हुई है, जनसंघ जो पैदा हुई, जनसंघ जो बनाया गया था उनकी राजनीति पार्टी थी और उस वक्त से गौ हत्या बंद करो की बात करते थे लोग, गाय के नाम पे राजनीति करते थे लोग, गाय के नाम पे बड़े बड़े आंदोलन हुए उस जमाने के अंदर, 50 साल 40 साल पहले भी हुए थे, संसद के जरा भी हुए थे, वही लोग आज जो सत्ता में बैठे हुए दिल्ली का और राजस्थान का। मैं उनको पूछना चाहूँगा कि गौ माता के नाम पे राजनीति करते करते आप लोग राम मंदिर के नाम पर अब राम मंदिर को भूल गए, गौ माता के नाम पर गायों के जो हत्या हो रही है और जो जिस प्रकार से उनकी स्थिति बनी हुई है गौशालों के अंदर, इससे बड़ी शर्म की बात की हो नहीं सकती सरकार के लिए, नंबर वन। नंबर दो, हम लोगों ने गाय पे कभी राजनीति नहीं करी क्योंकि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ही आज़ादी के बाद में दो पैरों की जोड़ी रहा है, दो पैरों की जोड़ी रहा है किसान के साथ, और बाद में चुनाव चिन्ह बदला तो गाय पिछड़ा रहा है कांग्रेस के चुनाव चिन्ह, तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय पिछड़ा, कांग्रेस चुनाव चिन्ह में दो बलों में जुड़ी, तो फिर भी कांग्रेस ने गाय के नाम पर वोट कभी नहीं मांगे, ये तो है कांग्रेस इतिहास से। और ये जो आज जो ये फासिस्टी लोग जो हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, ये खाली के चेहरा लोकतंत्र में पहन के सताना आए हैं, इनका चेहरा आपको मालूम है कि कभी गणेश जी को दूध भी पिलवा दिए लोगों ने, देश देश के अंदर पूरी दुनिया देखती रह गई, ये वो लोग हैं जो झूठ बोल करके हम काला धन लेके आएंगे, हम 15 लाख रुपये जमा करवाएंगे खाते के अंदर, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे राजस्थान के अंदर, क्या क्या जुमले बोले अच्छे दिन आएंगे। आज उन जुमलों की और राजस्थान के जो सरकार है उन सबकी झूठे बातों की पोल खुल चुकी है, जनता में बहुत भयंकर आक्रोश है और दुर्भाग्य इस बात का है कि जो स्कीम